खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैसे एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही मार्केट वालों का कहना है कि इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन को अभी हटेंगे, अभी तो हटेंगे, अभी ये यहाँ से बैठ नहीं है, यहाँ से हटेंगे अब। आराम से कल बोल ही देते सर, आज मेरी एक नया काम। मामला 3-4 महीने से है जी, इन्होंने ट्रैफिक में बीच में बाइकें खड़ी करवा रखी हैं और दुकानदारों का बुरा हाल हो रहा है और खर्चा दुकानदार का निकल नहीं रहा, पल्ले से खा के जा रहे हैं हम सारे। बड़ी मुश्किल से हम मतलब 3 महीने बहुत ओके सोके निकाले और रामधन जी को हमने रिक्वेस्ट करी, कल हमारे को आश्वासन भी देके गए, इन्होंने कहा मोटरसाइकिल हटवा देंगे। ये काम प्रशासन का है, कहाँ लगवानी है कहाँ नहीं लगवानी। हम मेन बाजारों में इतने किराए भर रहे हैं, इतने कोई खर्चा नहीं निकल रहा, ना लड़कों का निकल रहा है ना हमारा खुद का निकल रहा है, बुरा हाल हो रहा है हमारा। और रामधन जी ने बीच में खंभा लगवाने की एक और बात कर दी, ये तो अंग्रेजों वाला फरमान इन्होंने सुनवा रखा है हमारे को। पूरी हमारे से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं दुकानदार बेचारे, क्या करें। गर्मी में हमारे अभी चक्कर आ गया, मैं गिर गया यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और एम्बुलेंस वाले को फोन किया हुआ है, अभी तक नहीं आई हूँ। आगे पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, कल को कोई दुकान की दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ पे जी। यही किया है हमने और हमने ये विज्ञापन SDM साहब को, तहसीलदार के माध्यम से और DC साहब को दिया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके बाद हम CM विंडो पे डालेंगे और कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट भी जाएंगे और SP साहब जी के साथ धरना देना पड़ा, वो भी देंगे। अगर रणनीति यही, कल सुबह उठते ही हम सारी दुकानों को ताले लगवाएंगे, ताले लगवा के हम सारे दुकान भाइयों को इकट्ठा करके सारा बंद करके सुबह से ही बंद कर देंगे हम, और लंबे टाइम तक हम अपनी हड़ताल रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि बीच में कोई ट्रैफिक ना हो, बीच में कोई ना हो। मामला ऐसा है जी, आज पुलिस प्रशासन द्वारा अपने तुगले भी फरमान को जारी रखने के लिए बाजार वालों ने विरोध किया है। बाजार के अंदर जगह बहुत भीड़ी है और SHO ट्रैफिक द्वारा जबरन यहाँ पे बाइकों को बीच में लगवाया जा रहा है और जाकी स्थिति यहाँ पे जाम की ज्यों की त्यों बनी रहती है। बाजार वाले इतने लोग परेशान हैं, यहाँ पे ना तो अंदर गाड़ी आती है और ना जाती है, तो इसलिए सभी दुकानदार आज इकट्ठा होकर यहाँ पे SHO के ट्रैफिक वाले ट्रैफिक इंचार्ज से एम्बुलेंस रहा देखो कितना होगी निवेदन किया, पर वो अपने गुंडागर्दी के माध्यम से बोला ये स्थिति ऐसी रहेगी और इसको लेकर सभी व्यापारियों में नाराजगी है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक व्यापारी को चक्कर आ गया है, ठीक है, और एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस पीछे खड़ी है और जाम के अंदर एम्बुलेंस नहीं आ रही, आप देख लिए।
ऊपर सीट पे बैठा लो सीट पे। में तो क्या आगे से क्या जाने का रास्ता है? निकलने का रास्ता है ही नहीं। आप जो गाड़ी के अंदर पेशेंट आए लेकिन निकलती नहीं वापस। गाड़ी के अंदर पेशेंट है तो अब गाड़ी यहाँ पे आपकी खड़ी है तो कैसे करोगे? मेरे पास कोई रास्ते नहीं इसका निकालने का। कसूर किसके जी आपके हिसाब से? तो कहने का मतलब यहाँ से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बड़े महकमे का जी बाबू जी का नाम ले। हाँ जी हाँ जी शर्मा जी गड्डी तो किसी पास ना पीछे नहीं जाती मगर जाती है ना कि जाती है बस कितने करी दस साढ़े नहीं कर जान। अब गाड़ी में मरीज है तो आप कैसे करोगे? हम पुलिस प्रशासन सर जितनी दुकानें हैं।